हमारी कदकाठी को देख करके, मतलब इतने लोग, नॉट ओनली ये कि मेरे घर वाले खुद कि कहाँ ये सब में, कहाँ देख कैसे कैसे गोरे चिट्ठे लोग, मतलब फिल्म नाइन मतलब गोरे चिट्ठे लोगों के लिए बना हुआ है, लंबे चौड़े हैंडसम गुड लुकिंग, उन्हीं के लिए फिल्म नाइन है। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com, मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। आप लोगों की हमेशा इच्छा होती है कि आप ऐसे एक्टर्स से मिले जिन्होंने की हर विधा में काम किया हो, हर मीडियम में काम किया हो, मतलब चाहे वो फिल्म हो, टीवी सीरियल्स हो, एडवर्टाइजमेंट फिल्म हो या वेब सीरीज हो, शॉर्ट फिल्म हो। तो ऐसे ही एक एक्टर मेरे साथ है, राजकुमार कनोजिया, वेलकम टू joinfilms। थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी। नॉट वर्किंग, पता नहीं घर पे क्या करता है। भाभी है तेरी, नाराज क्यों होते हो? अरे इसी को तो देखने आते हैं सब यहाँ मेरी दुकान पर। शाम को देखेंगे। देखा, हल्के रंग में गहरा मेल और ये बीवी निकाल नहीं पाएगी। ओ चुप होए, क्या नहीं करता, एक अकेला क्या क्या करेगा, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? हर प्रॉब्लम का सलूशन न्यू टाउन ग्रैंड, तो आज ही बुक कीजिए। कि जब चाय बनाते बनाते मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो एक पान वाला पीएम काहे नहीं। राजकुमार, जब इतने सारे आप काम करते हो तो बिजी रहते हो या कैसे करते हो? मतलब इतने सारे सारे मीडियम में एक साथ काम करना, लोग एक ही मीडियम को पकड़ने को तरसते हैं, आप सब जगह लगे हो। देखो जाहिर सी बात है, जैसे हम खाना खाते हैं, हाँ। फिर हजम करते हैं, हम शौचालय भी जाते हैं, तो टाइम हम निकाल ही लेते हैं, हाँ। तो टाइम निकालना बहुत आसान होता है और वो हमारे ऊपर रहता है, हम निकालते कैसे, पूरी तरह से हम पर निर्भर रहता है। तो उसी तरह से मैं सब कुछ करने के बाद भी और समय बचता है और कुछ करना चाहता हूँ इसके अतिरिक्त। राजकुमार, ज्यादातर जो आपको देखा जाता है, हमेशा एक ऑडियंस भी इमेज में रख देती है और फिल्म इंडस्ट्री भी रख देती है, और फिल्म इंडस्ट्री उसी इमेज में रखती है जिसमें ऑडियंस आपको पसंद करती है। तो आप ज्यादातर कॉमिक टाइमिंग और कॉमेडी में ज्यादा, लेकिन आप खुद को क्या मानते हैं, एक्टर या कॉमेडियन? सी बेसिकली मेरा मानना है एक्टर सिर्फ एक्टर होता है, उसका कोई फैक्टर नहीं होता है, हर एक चीज में ढल सकता है, वो सब कुछ कर सकता है जो उसे कराया जा सकता है। लेकिन बदनसीबी से मुझे कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप कर दिया गया है, और इसलिए चूंकि कॉमेडी आपका एक चीज हिट हो जाता है, जैसे मेरी स्टाइल नाम की फिल्म हिट हो गई थी, तो उसके चलते मुझे लगातार कॉमेडी मिलती गई। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि मैंने संजीदा रोल भी किए हैं, अच्छे अच्छे किरदार बहुत किए, बहुत जिए हैं, और उतना ही बखूबी से जीने की कोशिश की। तो जब कॉमेडी आप करते हैं, खासतौर से जो टाइमिंग वाली बात होती है, उसमें बहुत ज्यादा रखना पड़ता है ध्यान, संजीदा रोल अलग तरह के होते हैं, तो जब जिम्मेदारी आ जाती है इस तरीके, नहीं यार ध्यान करना क्योंकि कॉमेडी पे ऑडियंस भी देखना चाह रही है, तो क्या क्या आप कॉमेडी में एज ए कॉमेडी एक्टर ध्यान देते हो? देखो सबसे पहले तो ये बता दूं कि एक्टर के लिए कोई भी रोल हो, कॉमेडी हो, ट्रेजेडी हो, सब उतना ही मुख्तलिफ और उतना ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन वो आसान तब लगने लगता है जब हम उसको एट ईज जीने लगते हैं, जब हम उसमें सहजता लाते हैं, तो वो चीज़ अच्छी लगने लगती है। अब बात करते हैं कॉमेडी की, कॉमेडी जितना आपको हंसाता है उतना ही एक्टर को प्रिपरेशन और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दुगनी हो जाती है, जिम्मेदारी हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें हम लोग को टाइमिंग के ऊपर काम करना पड़ता है, फिर बाद में उसके हम लोग को छोटी छोटी बारीकी जैसे नुएंसेस जो होते हैं, पॉजेस होते हैं, उतार चढ़ाव, वॉइस मॉड्यूलेशन, ये सारी बारीकी से हमको काम करना पड़ता है, बनिस्पत इसके कि जो संजीदा किरदार होते हैं उसमें अमूमन हम इतनी बारीकी से काम नहीं करते हैं क्योंकि वो हम लाइव होती है, लेकिन कॉमेडी जो होती है वो लार्जर देन लाइफ होती है, टाइमिंग का खेल होता है, तो प्रिपरेशन दुगनी कॉमेडी में पाया जाता है, और दुगनी इसलिए भी करनी पड़ती है, किसी को हंसी इतनी आसानी से आती नहीं है आजकल, बहुत मुश्किल होता है। ओके, अभी कौन-कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं आपके? फ्लेम नाम की फिल्म रिलीज पर है जो फाइनली होगी, फिर माय फ्रेंड गणेशा पार्ट 4, फिर फैक्ट्री जो कंप्लीट हो चुकी है हाल फिलहाल, फिर एस्केप ये फिल्में हैं, और वेब सीरीज में आएगी द गुड वाइब्स, मुल्ला नसरुद्दीन, मुल्ला नसरुद्दीन आइकॉनिक जो रघु भाई रघुवीर यादव जी किया करते थे, वो अभी मुझे मौका मिला है किरदार करने को, तो इट्स समथिंग डिफरेंट, और मैंने कोशिश की कि जैसा उन्होंने किया है मैं पूरी तरह से मेरा डिफरेंट टेक, अपना कुछ एक्सपीरियंस, अपना परसेप्शन और अपनी चीजें होंगे। ओके, तो जब इस तरह के कोई करेक्टर मिलते हैं जिनकी छाप पहले से ऑडियंस के माइंड में है, तब खास ख्याल क्या रखते हो आप, क्योंकि तब जिम्मेदारी अलग होती है? देखो खास ख्याल जैसे कि मुल्ला नसरुद्दीन जो मैं कर रहा हूँ, इनको किसी ने देखा नहीं है, तो ऐसे किरदार के कलाकार को जीने में बहुत एक 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 चैलेंजिंग पार्ट होता है। चैलेंजिंग इसलिए होता है क्योंकि इनके बारे में हम सिर्फ सुन चुके होते हैं, ये ऐतिहासिक कैरेक्टर है, ये किरदार को किसी ने देखा समझा जाना नहीं है, तो उसको अपना अपने तरीके से एक नया आयाम देना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और मैंने पूरी कोशिश की उसको जस्टिफाई करने की। आपकी शुरुआत कैसे हुई इस फील्ड में?
शुरुआत स्कूल से हुई, मैं मुंबई का हूँ, तो स्कूल, इंटर स्कूल, कॉलेज, इंटर कॉलेज, एमेचर थिएटर, प्रोफेशनल थिएटर, करण देश पांडे आप लोग जानते होंगे, थिएटर में एक बड़ा नाम है, तो उनके साथ मेरा अधिकांश जो समय है मेरे थिएटर का तो उन्हीं के सानिध्य में रहा मैं। ओके ग्रेट। अभी तक आप कितनी एड फिल्म, कितने फिल्में और कितनी शॉर्ट फिल्में कर चुके हैं? अभी लास्ट मैंने एक वीगो के लिए ऐड किया था, तो वो मेरा 388 ऐड था। और इन 22 साल के करियर तो मजाक मजाक में बहुत ज्यादा ऐड हो गए। और छोड़ा बहुत है। अच्छा, उसके छोड़ा भी है? छोड़ा बहुत है, किया कम है। ऐड की वजह से ही मुझे फिल्मों में सराहा जाता है, फिल्मों में इज्जत मिलती है, पर डे मेरा फिल्मों की वजह से बढ़ता है, फिल्मों में ऐड फिल्म की वजह से। तो इसलिए ऐड में मुझे इस बात का खास ध्यान रखना पड़ता है कि मैं अच्छे ब्रांड से एसोसिएट हूँ। इसलिए अगर आप मेरा गूगल करोगे तो गूगल सब उगल देगा कि मैंने अभी जितने भी ऐड किए सब अच्छे अच्छे ब्रांड के किए, बड़े बड़े ब्रांड के किए, छोटे मोटे ब्रांड मैंने किए ही नहीं। संजना कपूर के साथ भी काम किए, ऋषि कपूर के साथ भी किया, रणबीर कपूर के साथ भी किया। अच्छा, ग्रेट ग्रेट। तो जो ऐड करते हैं, मैं नए आर्टिस्ट के हिसाब से समझना चाहता हूँ कि जब हम ऐड करते हैं तो उसमें टाइम कम लगता है, पैसे ज्यादा मिलते हैं जी, और रिपीट वैल्यू भी ज्यादा रहती है। इनफैक्ट ये मैं बता दूं हमारे श्रोताओं को कि एड वर्ल्ड ही एक ऐसा फील्ड है अभी हमारे इंडस्ट्री में सक्रिय है, जहां आज तक हमारी वो जो चीजें होती है फिल्मों की वहां छू नहीं पाई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बजट नहीं है यार, नेक्स्ट टाइम लोग वर्कआउट कर लेंगे, इस बार काम कर ले, घर बन जाएगा, ऐसा वैसा। आज भी एड वर्ल्ड में पूरा पैसा, और कभी पैसा डूबा ही नहीं मेरा 22 सालों में एड वर्ल्ड में, और उल्टा उम्मीद से दुगना। एक आदमी जब आपको दोबारा एड में बुलाता है, वही आदमी आपको डबल पेमेंट करता है। okay. और बहुत अच्छा पेमेंट देते हैं। कम दिन, मैक्सिमम होता है 2 दिन का शूट, बस 1 या 2 दिन, और अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐड मिल जाए तो सोने पे सुहागा होता है। आज भी कॉन्ट्रैक्ट ऐड में बहुत पैसा मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट ऐड से मतलब कि आप इस ब्रांड को किसी हाँ, और को नहीं, जैसे कि 5-6 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऐड बहुत कम मिलता है, खासकर मेरे जैसे कदकाठी रूप रंग वाले एक्टर को। तो मैंने मोटरोला मोबाइल का किया था, जो हमने साउथ अफ्रीका में किया था, साउथ अफ्रीकन प्रोडक्शन हाउस के लिए किया था, तो उसमें मेरा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। तो मैं 3 साल तक कॉन्ट्रैक्ट में था कि मैं किसी और मोबाइल फोन या मोबाइल से रिलेटेड चीज़ें उसके लिए मैं ऐड नहीं, एसोसिएट नहीं करता। अगर करता तो वो लोग मेरे ऊपर सू कर सकते थे। तो ये लीगल टर्म्स भी चलते हैं, कंडीशंस भी चलते हैं जो अप्लाई होती हैं। लेकिन आप मानते हो कि एक्टर के लिए ना सिर्फ सर्वाइवल के लिए बल्कि एज ए करियर ऑप्शन भी एड वर्ल्ड भी एक बहुत अच्छी चीज है? बहुत अच्छा है, और मेरे लिए तो मतलब आज मैं जो लग्जरियस लाइफ, मटेरियलिस्टिक लाइफ जो जी पा रहा हूँ एज एन एक्टर, वो बिकॉज ऑफ एड वर्ल्ड ओनली। आज मैं मतलब मैं सुख समृद्धि सब ऐड की वजह से आया है मेरे पास। okay. एक क्योंकि ऐड की बात चली और मुझे बड़ी अच्छी बातें आपसे करने का मौका मिल रहा है भाई, कि पहले क्या होता था, आज से 5-7 या कुछ साल पहले अगर हम देखें तो ऐड का मतलब होता था एक पर्सनालिटी वाला लड़का और बहुत ही सुंदर सी लड़की। लेकिन जो एक चेंज आया कि अब रियलिस्टिक सोसाइटी के कैरेक्टर यूज होने लगे सारे एड्स में, तकरीबन सारे एड्स में वो यूज होने लगे, इसको आप किस तरह से देखते हो हमारे जैसे नॉर्मल लुक वाले लोगों के लिए? जैसा आप कह रहे हो ये 100% सही बात है कि पहले मॉडल्स हुआ करते थे, राइट, पहले मॉडल्स हुआ करते और बाद में कैरेक्टर आया। तो मैं फॉर्चुनेट रहा, मैं सच में बहुत सौभाग्यशाली था, जब मेरा आगमन हुआ और मैं चाहा कि ऐड करना है तभी किरदार शुरू हो गए थे, कैरेक्टर। और आई एम वन ऑफ दोस लकी कि कैरेक्टर शुरू हो गए थे और कैरेक्टर को पैसे और तवज्जो मॉडल की तरह ही मिलने लगा था, और फिर पूरा कैरेक्टर बेस्ड ऐड होने लगे। और इसका श्रेय जाता है पूरा और पूरा ऐड वर्ल्ड में अलग पदमसी और पीयूष पांडे को। ओह ग्रेट। हाँ। मतलब इन्होंने सोसाइटी के नॉर्मल हाँ। कैरेक्टर्स को पिक करना, जैसे वाललिता जी हाँ। ये वो सब कुछ उन्हीं का है, लज्जत पापड़ हाँ। ये वो सब उन्हीं की, निर्मा साबुन, ये सब उन्हीं का है। तो मतलब जो एड जब से इमोशनल इंडियन वैल्यूज पे बनने लगे तब से ऐसे कैरेक्टर्स को एक्सेप्टेंस आ गया और ऑडियंस ने भी तब से ज्यादा रिकॉग्निशन आया, बिल्कुल है ना, राइट। ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं बात आता हूँ लुक पे जी। जैसे कोई फिल्मों के बारे में सोचता है तो सोचता है कि तू बड़ा अच्छा दिखता है, हैंडसम दिखता है, तुझे फिल्मों में जाना चाहिए, ऐसी खुशनसीब कभी आपको हुई थी? देखो जाहिर सी बात है, आपने सवाल किया, जवाब आपके अंदर यकीनन आपके सर घूम रहा होगा जवाब। तो मेरी जैसी कद काठी रूप रंग रेशम है, तो उस तरह के किरदार को हम लोग जो नॉर्मल सोसाइटी, जो सुंदरता की परिभाषा है उसके अनुकूल मैं नहीं उतरता हूँ। इट्स वेरी ऑब्वियस, क्योंकि हमारे यहाँ हीरो मतलब हीरोइज्म, मतलब सबका एक प्री कंसिप्ट नोशन है हमारी ऑडियंस का, हीरो मतलब सलमान शाहरुख। तो मेरे जैसों के लिए जब आना तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि सब लोग यही बोल रहे थे कैसे कैसे कैसे। वही मैं पूछना चाहता हूँ, ये हिम्मत कहाँ से आई?
क्योंकि मैं अगर अच्छा दिखता हूं तो कई लोग हिम्मत बढ़ाते हैं, लेकिन जब नॉर्मल हो मेरी जैसी पर्सनालिटी तो लोग हिम्मत तोड़ते हैं, और उसके बीच में से जगह बनाना सक्सेसफुली। मैं बताता हूँ एक लाइन में जवाब दूं तो वो ये है कि हर एक किरदार जैसे जीवन में हमारे आप मैं हम दोनों ईश्वर ने हम सबको ऊपर वाले ने मुख्तलिफ बनाया, हम सबको डिफरेंट बनाया और सबकी अपनी अपनी भूमिका, वैसे हमारी फिल्मों में बहुत सारे किरदार अनगिनत किरदार होते हैं, सबके अपनी अपनी भूमिका रहती है, हीरो का रहता है, कैरेक्टर एक्टर का रहता है, कॉमेडियंस का, सबके अपने अपने रोल्स रहते हैं। तो मैंने पाया कि मैं भी एक फ्लावर जो बुके होता है उसमें मैं भी एक ऐसा फ्लावर हूँ जो हिस्सा बन सकता हूँ और बहुत अच्छे से खेल सकता हूँ, तो मैंने भी अपने आप को उतार दिया मैदान में। इसका मतलब यह है कि आप अगर सही से चलें, तैयारी के साथ चलें, तो आप अपनी जगह खुद बना लेते हैं, बिल्कुल, और बन भी जाती है, बिल्कुल। ओके, तो अभी जब इंडस्ट्री में एक नया दौर आया है डिजिटल वर्ल्ड का, इसमें आप कितना सक्रिय हो? डिजिटल वर्ल्ड मतलब मैं तो कहूंगा इट्स लाइक अ बोन फॉर एन एक्टर, एंड नॉट ओनली फॉर एन एक्टर बट एवरीबडी हुम्स हूएवर बिहाइंड द सीन फ्रंट एवरीबडी, सबके लिए मतलब एक ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपनी भड़ास, फिर चाहे वो कैसी भी भड़ास हो, एक कैमरामैन की भड़ास हो, एक डायरेक्टर की भड़ास हो, कैसी भड़ास हो, हम बहुत अच्छे से उसको एक ऐसे माध्यम से डिजिटल माध्यम से निकाल सकते हैं, और अगर हमारी शिद्दत इबादत और हमारी नीयत अगर साफ है तो हम बहुत दूर तक जा सकते हैं सिर्फ इसी माध्यम को लेकर के, और इससे कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज का एक सैलाब सा भी आया, बिल्कुल, क्रिएटिव वर्ल्ड के लिए तो मौके बहुत बड़े हैं, बहुत है ना। ओके, अभी इतने साल के करियर में कोई ऐसा दिन आया जब लगा यार कि शायद गलती कर दी यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, आई स्वेयर बाय गॉड, अटेम्प्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इनफैक्ट मेरा मानना है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो इस फील्ड में आया हूँ, और दिन प्रतिदिन निरंतर हमारी इंडस्ट्री चेंज हो रही है और अच्छे के लिए चेंज हो रही है, अच्छे के लिए चेंज हो रही है, टेक्निकली हम लोग साउंड होते जा रहे हैं, और जैसे देश बदल रहा है, सोच बदल रहा है, एक्टिंग बदल रही है, जब मैंने शुरुआत की थी तभी हम लोग बहुत लाउड किया करते थे, अब बहुत अंडर प्ले शुरू हो गया है, नेचुरल एक्टिंग शुरू हो गई है, इनफैक्ट सीसीटीवी वाली एक्टिंग शुरू हो गई है तो वो एक है, और हर तरीके से जैसे पहले हम फोटो लेकर के घूमते थे, झोला लेकर के घूमते थे, थक जाते थे, अब हम चिप लेके घूमते हैं, पेन ड्राइव लेके घूमते हैं, सेल्फ ऑडिशन भेज देते हैं, हाँ सेल्फ टेस्ट भेज देते हैं मोबाइल से, तो बहुत आसान हो चुका है सब कुछ। आपने शुरुआत कब की थी राजू? 96। तो 96 की अगर बात करें तब तो मौके बहुत कम थे, मतलब जनरल एंटरटेनमेंट चैनल भी कुछ गिने चुने ही थे, मेरे सैटेलाइट से जी का आगमन हुआ था। हाँ, तो इस समय पे आज तो खैर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, उस समय पे जब आप हिम्मत कर रहे थे आने की, तो किसी ने आपको रोका समझाया कि भाई देखो एक सेफ ऑप्शन देख लो, जरा कोई प्लान भी देख लो? जैसे कि मैंने पहले कहा हमारी कदकाठी को देख करके, मतलब इतने लोग, नॉट ओनली ये कि मेरे घर वाले खुद कि कहाँ ये सब में कहाँ देख, कैसे कैसे गोरे चिट्ठे लोग, मतलब फिल्म लाइन मतलब गोरे चिट्ठे लोगों के लिए बना हुआ है, लंबे चौड़े हैंडसम गुड लुकिंग, उन्हीं के लिए फिल्म लाइन है। तो सेफ ऑप्शन क्या देते थे? मेरे माँ बाप और सबके आस पड़ोस, सबके मेरे दोस्त, सबके मन में यही था कि इन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है, तो तू कहाँ जा रहा है? तो मैं अकेले ही चल पड़ा था, राह में बोलते ना कि मैं अकेला चल पड़ा, फिर कारवा बनता गया। तो ये कारवा जब बना तो पहली बार कितना टाइम लग गया था? बोलने में बहुत आसान है, लेकिन मैं लकी इस मामले में, मुझे मकरंद देशपांडे का साथ मिल गया था, और मेरे मतलब शुरुआती दौर पर तो मकरंद देशपांडे मेरे लिए बहुत प्रेरित रहा, बहुत मतलब माइंड ब्लोइंग इंस्पिरेशन। तो वहाँ से मुझे है ना कभी नौबत नहीं आई टिपिकल स्ट्रगल की, वहाँ पर ऐसा हो गया था काम देखो काम दो, तो हम लोग उनके साथ थिएटर किया करते थे और लोग बाग देखने आते थे, बड़े बड़े लोग हमारा थिएटर देखने आते थे, प्ले देखने आते थे, तो काम देखते थे काम देते थे, तो बहुत आसान हो गया था। मतलब अगर आप काम कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं और काम अच्छा कर रहे हैं तो यहाँ पर काम मिलता है, बिल्कुल। ओके, अब आगे आप सिनेमा वर्ल्ड को, इस मीडिया वर्ल्ड को किस तरह से देखते हो, कहाँ जाएगा ये एंटरटेनमेंट सेक्टर? देखो जैसे कि मैंने कहा कि जो चेंज आ रहा है, रेवोल्यूशन आ रहा है, वो बेटरमेंट के लिए आ रहा है, और अभी डिजिटल वर्ल्ड एक रेवोल्यूशन शुरू हो गया है, इनफैक्ट मेरा मानना है आने वाले दिनों में शायद टीवी इतिहास में रह जाएगा कि टीवी नाम की चीज़ हुआ करती थी, क्योंकि सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो रहा है, और ये बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, बेहतरी के लिए हो रहा है, ये निर्भर हमारे ऊपर करता है हम उसको कैसे पॉजिटिवली सकारात्मक तरीके से लेते हैं। मतलब ये जो बातें करते लोग कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था वैसा होता था ये होता था फलाना ढिमका, सब कुछ नहीं होता है, सब कुछ अच्छे के लिए होता है, जो कुछ भी होता है हमारे साथ सब अच्छे के लिए होता है, और ये जो हो रहा है ये भी अच्छे के लिए होगा, और जो होने वाला है वो मेरा 100% यकीनन और अच्छा होने वाला है, इससे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, ये तो शुरुआत है। इनफैक्ट हम मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में
सबको काम मिलेगा, कोई खाली नहीं बैठेगा. टैलेंट होना चाहिए, तैयारी होनी चाहिए. थैंक यू राज भाई, थैंक सर, थैंक यू. बहुत अच्छा लगा बात करके. माय प्लेजर. तो ये थे राजकुमार कनौजिया. अगर आपने पूरे वीडियो को अच्छे से देखा है तो बहुत अच्छे समझा होगा कि आप अपने बारे में क्या मानते हैं. मुद्दा ये है, आप सिर्फ अपने पे बिलीव कीजिए. बहुत सारे लोग आएंगे, रोकेंगे, टोकेंगे, बहुत सारी मिथ आपके दिमाग में भी आएंगे कि क्या पता होगा कि नहीं होगा. लेकिन अगर आप चल पड़ेंगे तो कारवा बनता जाएगा, जैसा उन्होंने कहा, मतलब साथ मिलता जाएगा अच्छे लोगों का, और फिर काम देख के आपको काम जरूर मिलेगा. एड वर्ल्ड एड फिल्म्स बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, करियर के लिए, क्योंकि उसमें हर तरह के कैरेक्टर चाहिए, हर तरह के किरदार चाहिए, और उससे आप अपनी अर्निंग बहुत अच्छी कर सकते हैं और अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि एक्टर को मेंटेन खुद को भी करना बहुत जरूरी होता है. और वो बड़े अपॉर्चुनिस्ट हैं, बहुत समझते हैं कि हर जगह काम बढ़ने वाला है, और उसको वो अपना भी रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं. आइकॉनिक कैरेक्टर कर रहे हैं मुल्ला नसरुद्दीन का. आप मुझे बताइएगा, उन्होंने बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल बातें की हैं. आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या समझ में आया, क्या सीखा? जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी. भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे. भले वो फेक ऑडिशंस पे हो, कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है. अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी. तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट.